सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में ही युवा प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मदरसा विकास में सबसे बड़ा बाधक है। देश के विकास ही नहीं बल्कि बच्चों के विकास में भी बाधक है। मदरसा को बंद कर देना चाहिए। मदरसों के बंद होने के बाद देश की स्थिति में काफी हद तक सुधार होगा। देखिए, मदरसा विकास में सबसे बड़ा बाधक है और देश के विकास में नहीं, उन बच्चों के भविष्य का के विकास के लिए सबसे बड़ा बाधक है। मैं तो यह कहूँगा कि सिर्फ धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को मदरसों में भले जाने दिया जाए, लेकिन अगर देश के विकास में उनकी भूमिका निर्वहन करना तय करना है तो उन्हें मदरसों में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और मदरसों को बंद कर दिया जाना चाहिए। जिस दिन मदरसों को बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथी हों, क्योंकि एक पक्ष अगर कट्टरपंथी रहेगा तो दूसरा पक्ष कट्टरपंथी होगा ही होगा, और मदरसों के बंद कर देने के बाद इस देश की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।